आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, विच इज एन इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बेटा एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग तो खैर एक ही दो बार देखोगे, बट नाइन्थ क्लास तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होते बोलता हूँ। देखो इधर जरा भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वो कह रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो बेटा क्या है ए बी और सी क्या है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल बेटा किस पर है, सी पर। इसका मतलब ये वाला एंगल हमें मिल गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। डिवाइड बेटा ध्यान दो जरा। अच्छा इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। बेटा ए बी जो है हाइपोटेनस है, एम क्या है बेटा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये दो चीजें पता चल गई। अच्छा सी इज जॉइंट टू एम, सी को बेटा किस पे ज्वाइन कर दिया जाता है, एम पर ज्वाइन कर दिया जाता है ऐसे। इसके बाद एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इसको बेटा कहां तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, सच दैट डीएम एंड सीएम, बेटा इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है कि डीएम और सीएम ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या क्या आपको प्रूव करना जरा देखिए। पहले तो वो कह रहे हैं आपसे ए एम सी, ए एम सी ये वाला ट्राइंगल किस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, डी एम बी इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके बाद हमें डी बी सी इज राइट एंगल, हमें ये शो करना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो सी एम है वो हाफ है किसका, ए बी का। सी एम डी सी का हाफ नहीं है, किसका हाफ है, ए बी का हाफ है, ठीक है। अब इसको साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। अब सारी चीज़ें मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्या हमें दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में हाँ क्या ए एम और ये एम मिड पॉइंट बोल दिया ना भाई, एम क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। गिवन बेटा क्या क्या, पहले गिवन लिख लेते हैं। पहली चीज तो बेटा ये गिवन है कि एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है। दूसरी चीज बेटा क्या है, देखो एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ए एम और बी एम, ए एम और बी एम आपस में क्या है, इक्वल है। और क्या इक्वल हो गया बेटा, सी एम और डी एम, एंड सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये गिवन, ये सारी चीजें बेटा आपको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है जरा देखिए, टू प्रूफ में बेटा फोर पार्ट्स हैं, टू प्रूफ में आपके क्या लिख दिया, ये प्रूवन, टू प्रूफ में बेटा फोर पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स है जरा देखिए। पहला पार्ट है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, पहला पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट बेटा क्या है, सेकेंड पार्ट हमें ये शो करना है कि डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ना छोड़ के मैंने 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट बेटा क्या है, थर्ड पार्ट में ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, बताइए कोई दिक्कत। दिव्यांशी बेटा कृपया ध्यान दीजिए, वो मैं देख रहा हूं कितना ध्यान है, वो मैंने देख लिया, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। अब आ जाओ बेटा किस पर, प्रूफ पर। हाँ लेकिन हमें लास्ट पार्ट में लिखना है रीजन के साथ। चलो जी शुरू करें, फर्स्ट पार्ट के साथ बेटा शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए एम सी, बेटा कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाना, एंड लिखना है यहां पर, एंड ट्राइंगल बी एम डी ए एम सी, ठीक है। अब
हमें फोकस करना है कौन कौन से ट्राइंगल, जरा देखिए ए एम सी ये वाला ट्राइंगल और डी एम बी ये वाला ट्राइंगल। तो जरा ध्यान दीजिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो बेटा साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। तो जरा देखिए मैं लिख रहा हूं ए एम, देखो ए एम सी ये वाला ट्राइंगल अगर मैंने लेफ्ट साइड में लिखना है तो इसके जो भी साइड्स या एंगल्स होंगे वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लिखने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए एम जो है, ए एम जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, बी एम। रीजन क्या है बेटा, गिवन। रीजन क्या है बेटा, गिवन। इसके बाद में बेटा मैं लिख रहा हूं एंगल ए एम सी, ए एम सी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, बी एम डी के, बी एम डी, ठीक है। इसके बाद ये क्या है बेटा, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है भाई। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लिया ना, हो गई बस थी आज बेटा, आपके फादर को फोन करवाता हूं, ठीक है। इसके बाद सी एम किसके इक्वल है, सी एम किसके इक्वल है, डी एम के। ये भी क्या है बेटा, गिवन। अगर आप ध्यान दें, हाँ जी, क्या बी एम कहां लिखा, बी एम सी एम और डीएम लिखा है बेटा, सही देखो सी एम और डीएम ये बेटा इसलिए इक्वल है क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर, उसने तो मिड पॉइंट बोला है, ए बी का है, तो भाई ये देखो जरा, ये देखो इतना बड़ा बड़ा दिखाता हूं मैं आपको, देखो देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, सही बोला था नहीं बोला था मैंने आपको, हाँ। जब क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना तो ऐसे ही होता है, क्योंकि जब मैं समझा रहा था तब तो लगा ये तो समझ में आ ही जाएगा, इसे क्या पढ़ना है, हाँ जी ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, ये है एक साइड, ये है एक एंगल और ये है एक साइड। तो बेटा बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स बेटा क्या हो गए, कौन कौन से ट्राइंगल, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अब बेटा अगर मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो मैं कुछ ना कुछ तो इसका फायदा उठाऊंगा, बाय सीपीसीटी मैं वो चीजें बेटा यहां पर इक्वल लिख लूंगा जिनकी मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि बेटा ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल हो सकती है, क्या बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि डी बी, ध्यान देना बेटा डी बी किसके इक्वल होगी पता, सी ए के इक्वल होगी। कैसे पता चला, देखो जरा इधर जरा देखो, डी बी किसके इक्वल होगी, सी ए के इक्वल होगी, ऐसे इस ऑर्डर में लिखा है तो यहां पर भी इसी ऑर्डर में होगा, ठीक है। डी बी किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है, एनी दिक्कत। अच्छा इसके साथ मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस एंगल बी, इसको बैठा लूं, इसके नीचे छुपा लेता हूं इसको, एंगल डी बी सी, डी अच्छा बी डी सी इज इक्वल टू व्हाट, सी ए सी डी, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, बी डी सी, हाँ जी, या एम लिख दो, एक ही बात है, एम लिखो, एम बी डी एम किसके इक्वल होगा बेटा, ए सी एम के, किसके इक्वल होगा बेटा, ए सी एम के। बताइए कोई दिक्कत, इन चीजों का बेटा मैं आगे यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो बाय सीपीसीटीज मैंने ये सारी चीजें निकाली। नेक्स्ट ऑफलाइन कैसे हो गया, अब आ जाओ बेटा फिर से इस क्वेश्चन पे। तो हम फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, हमें सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है या 90 डिग्री है। तो बेटा सेकंड पर आ जाओ, राइट एंगल,
राइट एंगल है ना। अब जरा देखो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। मैंने अभी आपको ये प्रूफ करके दिखाया था, क्या प्रूफ किया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर ऐसा है तो बेटा ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, और ये क्या होगी बेटा, ट्रांसवर्सल। ऐसा तभी होगा अगर ये पैरेलल होते तो ये एंगल इक्वल होते। अभी एंगल्स इक्वल्स हैं, इक्वल हैं तो बेटा लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंस एंगल बी डी एम किसके इक्वल है बेटा, ए सी एम के। किसके इक्वल है बेटा, ए सी एम के। तो बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम, एक्सियम क्या हो जाएगा बेटा, बी डी जो है वो पैरेलल आ जाएगी किसके, सी ए के। ठीक है, और अगर बेटा पैरेलल आ गई तो बाय बाय को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। जरा ध्यान दीजिए अब मेरी बात पर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल आ गई और ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो बेटा ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, को, क्योंकि लाइन के एक साइड वाले हैं और पैरेलल लाइंस के अंदर है, तो ये दोनों क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। इट मींस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या बात समझ में आ रही है? इससे बेटा पता चला कि एंगल डी बी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब आ जाओ बेटा किस पे, हमने दो पार्ट कर लिए, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पर आ जाओ बेटा, थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है और फोर्थ भी इजी है, थर्ड फोर्थ तो इजी है, बस ये वाला पार्ट जो था क्या ये क्वेश्चन, इसको बस बेटा रिकॉर्ड हो रहा, ज्यादा बुराई मत करो टीचर की। हाँ जी, फिर भी इधर जरा देखो भाई, आ जाओ अब थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं आपको, डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। देखो बेटा कट रहा तो नहीं है, वीडियो देखना जरा, ये कट तो नहीं रहा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए कौन कौन से, डी बी सी, डी बी सी ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाली साइड हमने इसके इक्वल निकाल ली थी, ये वाला एंगल इसके इक्वल निकाल लिया था, और ये वाली साइड क्या हो सकती है, कॉमन। हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए सी बी के। ठीक है, तो बहुत इजी है, बाय साइड एंगल साइड हो जाएगा। देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, कि क्या एंगल एंगल साइड से बोलूं, हां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये वाला एंगल से। इधर जरा देखो, डी बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए सी के। डी बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। एंगल डी बी सी, रीजन क्या है बेटा, प्रूव्ड अबव। यहां पे रीजन क्या आएगा पता है आपको, प्रूव्ड अबव, हम पहले प्रूफ कर चुके हैं ये चीज, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ना, बाय सीपीसीटी, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव या फिर बाय सीपीसीटी लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है, अच्छा एंगल डी बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। ये क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री, और इसके बाद बेटा बी सी क्या है, इक्वल टू बी सी, या फिर हम ये कह दें कि क्या है, कॉमन। तो जरा ध्यान देना, अब ये थी एक साइड, ये था एक एंगल, और ये है एक साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स बेटा क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। हाँ बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स का तो आएगा एटलीस्ट, बाय सीपीसीटी। जरा ध्यान दीजिए, हाँ जी बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से बेटा मैं ये लिख सकता हूं क्या, कि डी सी इज इक्वल टू ए बी। हाँ जी, डी सी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ जी भाई, कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है फोर्थ पार्ट के लिए। किसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा? फोर्थ पार्ट के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। एक बात बताओ बेटा, हमने ये पढ़ा था कि सी एम इज इक्वल टू डी एम, सी एम इज इक्वल टू डी एम। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये हाफ है किसका? डीसी का। ये बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? अब बेटा हमें जो प्रूफ करना है वो करना है सी एम, तो आप डी एम यहां से हटा दो, ठीक है? आपको इसकी जरूरत, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ग्रीन कलर से, ये स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो डीएम की हमें जरूरत नहीं, तो मैं क्या लिख रहा हूं? सी एम लिख रहा हूं। और बेटा डीसी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी आ गया, नहीं आ गया बताओ? एनी प्रॉब्लम? अब ऑब्वियसली देखो बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बेटा आपस में ये पहले ही बाय कॉन्ग्रेंस रूल भी आ गया। अच्छा देखो, सीबीसीडी से हमने क्या प्रूव किया कि डीसी जो है वो किसके इक्वल है? ए बी के। और जो सी एम थी वो डीएम की हाफ थी, और डी क्या हो गया भाई? What happened? चलो क्वेश्चन हो गया था भाई, क्या हुआ ये? बैक स्टेज जाके देखने मिल जाए तो। अरे क्वेश्चन हो गया था भाई, ठीक है, लिखोगे पैसे या पता नहीं, फॉरवर्ड बैक करके देख लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना था। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, ठीक है?